हाय गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कुछ इस तरह की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसकी आपने अभी देखी यहाँ पे कुडेंट रिफ्रेश फीड, तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, इस प्रॉब्लम के आने के ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, या फिर अगर इंस्टाग्राम ऐप में कोई बग आ जाता है, इंस्टाग्राम सर्वर की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पे ना इसके आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले ना आपको अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करना, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 5G नेटवर्क है, फिर भी ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अगर आपको क्या करना है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, मेरा तो नेटवर्क कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, पर आपको सेटिंग में बता दे रहा हूँ, आपको सेटिंग में जाना है, ये आपको देख लेना है इनेबल है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको परफेक्ट नेटवर्क टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4G 3G 2G सेलेक्ट करना है, अगर आपका फ़ोन 4G है तो, अगर आप 5G है तो 5G सेलेक्ट कर लेना है, और एसेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है, अगर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, या रीसेट एसेस पॉइंट यहाँ पे आपको कर देना। आपको ऊपर नीचे कहीं भी ये ऑप्शन देखने को मिल सकता है, अगर आपके पास कोई और मॉडल है तो। उसके बाद आपको ऑपरेटर पर क्लिक करना है, या इसे आपको ऑटो सेलेक्टेड को ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है, और यहाँ पर ना आपको नीचे जाना, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, और उसके बाद आपको क्या करना है, बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करना है, रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है। सो गाइस, आपको ना नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। पता नहीं, मैंने जैसे ही नेटवर्क सेटिंग को रीसेट किया तो मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली कट हो गई, तो शायद यहाँ पे अलाउ नहीं होगी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, तो आपको नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। उसके बाद अब आपको बैक आना है, और आपको जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर आप ऐप्स मैनेजमेंट पर जाना है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम सर्च करना है, और इंस्टाग्राम पे आपको क्या करना है, स्टोरीज़ पे क्लिक करना है, क्लियर डेटा पे क्लिक करना है, डिलीट कर देना है, क्लियर कैश कर देना है, और यहाँ से आपको ये कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ से बैक चले आना है, अब जाना है प्ले स्टोर में, और यहाँ सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम सर्च करना है, और आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को जो है अपडेट कर लेना है। अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको इसे अपडेट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर देना है, इसके लिए आपको अपने मोबाइल की पावर बटन को प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे रीस्टार्ट कर देना है। तो मैं अभी रीस्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने फ़ोन को रीस्टार्ट किया तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो कट जाएगी, तो आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट खुद से कर लेना है। फ़ोन रीस्टार्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम में जाना है, और आपको यहाँ पे अपनी आईडी को लॉगिन करके देखना है आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने ना अपनी आईडी लॉगिन कर लिया, तो देख लेते हैं यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर ना यही है, मैं इस अकाउंट पर जा रहा था तब ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, अभी भी जो है प्रॉब्लम वो देखने को मिल रही है, पर यहाँ पर ये पहले के मुकाबले ये अब जल्दी ओपन हो रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम आ रही है पर टैब ओपन हो रहा है। अगर मैं किसी और अकाउंट को यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ, फॉर एग्जांपल, तो गाइस यहाँ पे जो है प्रॉब्लम अब जो है फिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पे ना कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। तो अभी मैं ना, तो अगर मैं इस अकाउंट पे जाके देखता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी मतलब सब कुछ ठीक से हो रहा है, पर ये जो एरर है वो आ ही रहा है, पर टैब सारी ओपन हो रही है, तो ये जो एरर आ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस प्रॉब्लम को एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैंने पहले से ही ले कर रखा है। उसके बाद आपको ऊपर कोने में 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर, और नीचे चले आना है, नीचे आपको क्या करना है, हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव करने के लिए बोलता है, तो जैसे आप सेव करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप विदाउट सेकिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, सीधा आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट सेकिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना इस यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है, जो भी आपका प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट हो इसे हटा के आपको अपलोड पे क्लिक करना है, और उस स्क्रीनशॉट को ऐड कर देना है। तो मैं ऐड कर देता हूँ, तो ऐड हो चुका है वो स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन कर देना है।
तो गाइस मैंने ना अपने प्रॉब्लम के बारे में लिख दिया, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप इसे ही मतलब सेम लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जैसे ही आप ये सेंड कर देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो है वो पसंद आया होगा।